और मैं आप सभी से गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के सभी राशन कोठेदारों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि हर उस जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए जो इसका हकदार है। और मैं कह सकता हूं कि इसमें तकनीक का उपयोग करना, आधार सीटिंग की कार्रवाई हो। हम लोगों ने लखनऊ में एक जगह बैठ करके हम देख सकते हैं कि कहां पे ईपॉस मशीन में गड़बड़ी हो रही है और उसके माध्यम से हम लोग फिर उस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की कार्रवाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कदम और उठाए गए हैं जो हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सब सरकार के इस पवित्र मिशन के साथ जुड़ करके जो सरकार ने सामान्य दिनों के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान भी करके दिखाया, हर महामारी का एक जो साइड इफेक्ट होता था वो ये होता था कि महामारी के बाद महामारी से जितनी मौतें नहीं होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद होती थी, भुखमरी से होती थी और उसके बाद क्या स्थितियां बनती थी। कोरोना ने तो एक बार जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को उसने पस्त कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना प्रबंधन का जो कार्य किया वो आज हम सबके सामने है। हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी थी, हर एक को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार खड़ी थी, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने के लिए शासन खड़ी थी। वर्षों पहले जो लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर के दूसरे राज्यों में जाकर के वहां अपना व्यवसाय या नौकरी पेशा कर रहे थे, कोरोना कालखंड में अगर उनका नौकरी पेशा या उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, अपने गांव की तरफ आए, सरकार ने उनके स्वागत के लिए पावड़े बिछा करके उनका स्वागत किया और उन्हें राशन कार्ड और उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के कार्य के साथ सरकार जुड़ी। आपने देखा जितने प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उनके लिए जगह जगह हम लोगों ने 6 करोड़ से अधिक उस दौरान लंच पैकेट भी वितरण करवाए थे। खाद्य विभाग ने हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाया था और यही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश होकर के जाने वाला जो भी कामगार और श्रमिक रहा होगा, जरूरतमंद नागरिक रहा होगा, हरेक के लिए सरकार ने शुद्ध पेयजल के साथ साथ उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था भी की थी और उत्तर प्रदेश वासी के लिए व्यवस्था की थी कि अगर कहीं बाहर से आया है उसके पास सुविधा नहीं है तो सरकार ने उस समय एक व्यवस्था दी थी कि उसे 15 दिन का राशन उसके साथ पहुंचाने, 1,000 रुपये उसको उपलब्ध करवाने के साथ ही अगर उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके लिए राशन कार्ड भी उस दौरान सरकार ने बनाने के इस कार्य को आगे बढ़ाया था। आज फिर हम इस बात को कह सकते हैं सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने और उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।